नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आपकी स्क्रीन पर चार्ट है ये क्रूड ऑयल का 18 मई का कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्रूड ऑयल में एक 1500 का लेवल था, वो अगर ब्रेक करता है तो इसमें एक बहुत ही हम अच्छा ऊपर का ट्रेंड देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसमें एक डाउन साइड थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसके बहुत अच्छे सिग्नल आ चुके हैं कि क्रूड ऑयल में अब जो एक अनसर्टेनिटी का ऐसा माहौल था कि ये कितना नीचे जा रहा है, 800 को इसने ब्रेक कर दिया था 800 के लेवल को, तो अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो 1500 का लेवल था वो ये ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर ही सस्टेन भी कर चुका है। आइए अब बात करते हैं आगे के लेवल्स हम क्या देखते हैं और कैसा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर हमें चलना चाहिए। देखिए, पहले हम बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट को लेकर। इसके बीच में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसी चार्ट को लेकर, क्योंकि अभी तक मार्केट ओपन हुआ नहीं है, आज मार्केट ओपन होगा। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है और अभी क्या ट्रेड कर रहा है, अब कहाँ पर क्लोज़ हुआ था, तो थोड़ा सा हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए, मार्केट 15 मिनट का है और जो 1503 का मैंने आपको लेवल बताया था उसके ऊपर ये बहुत ईजीली सस्टेन करके रुका है। इसके ऊपर इतना सारा पोर्शन यहाँ ट्रेड हुआ है, फिर यहाँ ट्रेड हुआ है और क्लोज़ भी इसी के ऊपर हो गया। तो एक चीज़ बिल्कुल श्योर हो गई है कि मार्केट में कुछ ऐसा सेलिंग प्रेशर जो था वो ख़त्म हो गया है, कि मार्केट अब अगर नीचे जाता है तो वो बाय ऑन डिप्स के लेवल में ज़रूर कहूँगा उसे। मार्केट अगर 1400-1300 के लेवल आने को द्वारा से मिलता है तो वहाँ पर आप ख़रीदारी का ऑप्शन चूज़ करें, ना कि फर्दर सेलिंग का। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर में ध्यान में रखें। अब मैं आपको एक घंटे का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूस एक सिंगल ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और उसी के बीच में ये चलता जा रहा है। अब जो मार्केट अभी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसमें क्रूड जो है वो $21 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और जो इसका हाई लगा है वो $22 का इसका हाई लगा है वहाँ पर। तो इन्हें अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो जैसा कि करेंसी से हम कन्वर्जन रेट लेंगे तो इसका बनता है करीब 1610 रुपये और इसका बनता है 1690 रुपये के अराउंड। ये हाई मारा है और ये शायद अगर इसी लेवल पे ओपन होता है तो 1610 के अराउंड हम इसका ओपनिंग प्राइस देख सकते हैं। तो आप देखेंगे 1525 से सीधा 1610 जाएगा, तो ये भी काफ़ी इसे अच्छी जंप मिलेगी यहाँ पर। पर अब इनसे ध्यान में एक चीज़ और रखनी है कि एक और मैं आपको एक इसमें इंडिकेटर बताता हूँ जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये हमें ये बता रहा है कि ट्रेंड जो है अब बदल चुका है। ये तीन कैंडल आप देख रहे हैं इसमें, ये यही चीज़ इंडिकेट करती हैं कि जब भी कोई डाउन ट्रेंड हो और उसके बाद एक तीन ग्रीन कैंडल बन जाएं अपनी परफेक्ट बॉडी के साथ, तो वो माना जाता है कि ट्रेंड में एक रिवर्सल आ गया है। और कम से कम एक चीज़ ज़रूर है कि जो ट्रेंड था वो बॉटम आउट कर गया और अब नीचे नहीं जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छे सिग्नल हैं इस चीज़ के कि मार्केट अब ऊपर की तरफ रुख लेगा और यहाँ पर या तो कंसोलिडेट होगा या फिर जो भी नीचे आपको प्राइस मिलता है उसमें आप बाइंग करेंगे। आइए बात करते हैं थोड़े से लेवल्स की, हम एक घंटे के चार्ट को देखते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल अभी आपको बता देता हूँ। जो इसमें मुझे पहला अब रेजिस्टेंस लग रहा है वो है 1640 के आसपास कहीं पर। ये अगर आपको प्राइस मिलता है तो वहाँ पर आप अपनी पोजिशन को खुद ही देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेवल है, बाकी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये अभी पता चलेगा। और दूसरा लेवल है 1850 के अराउंड। ये दो लेवल हैं जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ। 1640 अगर ये ब्रेक करके थोड़ा सा सस्टेन करा उसके ऊपर तो अगला लेवल जो होगा वो 1850 का होगा रेजिस्टेंस का। उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि इसमें बीच में कुछ ऐसा सेलिंग प्रेशर आएगा या कुछ ऐसा रहेगा।
और 1850 के ऊपर इसे सस्टेन करना काफ़ी लंबे टाइम के लिए, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि पूरे दिन तक ये सस्टेन कर रहा है, तो वो चीज़ देखने वाली होगी। अगर थोड़ा सा सस्टेन करके मार्केट हल्का सा भी एक रिवर्स मोड में आता है तो वहाँ पर हम सेलिंग प्रेशर ज़रूर देख सकते हैं, और हो सकता है कि 1400 तक के हमें लेवल मिलने देखने को मिले। पर फिलहाल जो एक परफेक्ट लेवल है वो ये है कि 1640 पहला ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट 1850 के ऊपर। बाकी मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा, तो जैसे भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मुझे भी ऐसा लगेगा कि शायद जो मेरे वीडियो हैं वो देखे जा रहे हैं, और उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो ही मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरा जो चैनल है उसे बनाने का मेरा कोई वर्थ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपकी रीच में हो और इसका सब्सक्रिप्शन जैसे बढ़ेगा तो वो मैं सिर्फ उसी से काउंट कर सकता हूँ कि मेरा चैनल देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, या फिर उसके व्यूअर्स कितने हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं। देखिए, अगर आपको चैनल में कोई लेवल पसंद नहीं आ रहे, कुछ पसंद नहीं आ रहा, आप कमेंट्स सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो पूरा देखें। बस जो भी वीडियो होगा किसी भी चीज़ पे, कोई किसी चीज़ पे अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी मुझे बनाना चाहिए तो मैं उस पर भी बनाऊंगा, किसी भी स्टॉक पे, कमोडिटी पे, क्रिप्टो करेंसी पे। तो ये था मेरा आज का क्रूड ऑयल पे वीडियो, और जैसा ही मार्केट होगा मैं आगे और अपडेट करूँगा। धन्यवाद।